येस वी आर लाइव नाव हेलो फ्रेंड्स दिस इज मैं एन वेलकम टू लेट्स लर्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अमेजिंग सेशन रहेगा मतलब मजा आएगा ये जब मैं पैसेज देख रही थी तो मुझे बहुत मतलब मैंने इन्जॉय किया उसको सोल्व करते हुए और आ, समझते हैं कि आप पैसेज जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है यानी अगर हम देखें तो तीस नंबर के पैसेज हैं आपके डेढ़ सौ नंबर में से यानी हिंदी और इंग्लिश में हिंदी में आएगा एक सात नंबर का पैसेज एक आठ नंबर का पैसेज यानी पंद्रह नंबर के पैसेज एक लैंग्वेज में ऐसे ही दूसरी लैंग्वेज में भी पंद्रह नंबर के पैसेज जो भी आपने ली हो हिंदी हो संस्कृत हो यानी तीस नंबर के पैसेज जो है चार आपके आते हैं पैसेज को सॉल्व करने की एक अप्रोच होती है पैसेज तो कभी सेम आता नहीं है कि वही पैसेज रिपीट होकर आ जाएगा लेकिन इसमें दो तीन बातें या कुछ ऐसी चीजें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए पैसेज को सॉल्व करते हुए वो क्या ट्रिक्स कह लो आप उनको या एक थोड़ा सा कॉमन सेंस कह लो तो डिस्कस करेंगे हिंदी इंग्लिश या जिस भी पैसेज को आप सॉल्व कर रहे हैं गद्यांश हो पद्यांश हो पैसेज हो तीन पैसेजेस आज हम सॉल्व करेंगे जिसमें एक हम पद्य को लेंगे दो गद्यांश लेंगे तो समझते हैं कहानी कैसे रहेगी और आज मैंने हिंदी के पैसेजेस को लिया है फिर धीरे धीरे करके हम लोग मतलब एक सेशन में कोशिश करूँगी इंग्लिश का भी ले पाऊँ वैसे मैंने प्रीवियसली एक इंग्लिश का पैसेज सॉल्व कराया हुआ है पुराने सेशंस में ये टेलीग्राम चैनल पे वैसे तो ये इस बार के ही आए हुए पैसेजेस हैं आपसे एक और अनुरोध है कि जब आप पैसेज सॉल्व करें तो सिर्फ सीट के प्रीवियस ईयर का करें और कोई पैसेज ना करें उसका रीजन ये है कि वो एक पैटर्न होता है थॉट प्रोसेस होता है वो उस तरह के पैसेजेस देते हैं रिपीट नहीं होगा लेकिन आप किसी और एग्जाम के पैसेज या एम कोई भी वेबसाइट पर रैंडमली पैसेज सॉल्व करेंगे उससे बहुत ही बेहतर है कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के पैसेजेस सॉल्व करें उससे आपकी अप्रोच डेवलप हो जाएगी क्योंकि वही पैटर्न रहता है कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो समझते हैं ये स्कोरिंग रहते हैं पैसेज कम मेहनत में ज्यादा आप इससे क्या निकाल सकते हैं आउटपुट लेकर के आ सकते हैं सभी को गुड इवनिंग नमस्कार राम राम यू फील कनेक्टेड विद स्टार्ट करते हैं आज की कहानी बहुत मजा आएगा और आ, देखते हैं कि ग्रामर की जरूरत क्यों नहीं होती आपको जब आप आ, ये कर रहे हो तो ग्रामर पढ़ के जाने की आवश्यकता है सच नहीं होती है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में क्योंकि पंद्रह नंबर में पेडागोजी है और बाकी के बचे हुए पंद्रह नंबर में दो पैसे जाते हैं चाहे कोई भी लैंग्वेज हो तो हमें ये बात पता है कि ग्रामर महत्वपूर्ण नहीं है एंड मोमेंट पे तो बिल्कुल नहीं पढ़नी है पहले से आपने बेसिक ग्रामर पढ़ने का आपका मन किया हो आपने पढ़ ली हो बहुत अच्छी बात है बट अगर आप ग्रामर नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो भी आप पेपर में नंबर लेकर के बढ़िया आ सकते हैं तो समझते हैं तीस नंबर की कोई भी लैंग्वेज पैडागॉजी होती है आपकी जिसमें से पंद्रह नंबर आपके पैडोगोलॉजी के हैं और पंद्रह नंबर उसके लिए प्लेलिस्ट नोट्स वगैरह सब दिए हुए हैं आपको और पंद्रह नंबर में ही दो पैसेज आते हैं एक पैसेज बड़ा एक छोटा आप अभी हम पहले जो सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं जिन्होंने लैंग्वेज वन लिया होगा हिंदी को उनके सामने पहले कविता आती है यानी पद्यांश आएगा और आ, ये छोटी होती है कविता छोटी होती है कंपेरेटिवली और पोयम आती है जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज वन ली होती है तो हम एक पोयम यानी एक कविता और एक पद्यांश और दो गद्यांश सॉल्व करेंगे गद्यांश और पद्यांश से ज्यादा जो ध्यान देना है आपको एक तो ये नई स्क्रीन पर दिखेगा आपको तो थोड़ा पढ़ने में अनकंफर्टेबल हो जरूरी है उतना होना क्योंकि अगर सेम पेपर पे आप मार्क कर पाएंगे पेंसिल वगैरह ले जाना दूसरी चीज कि आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए वो छोटी छोटी जो ट्रिक्स है जैसे मेरा बेसिक फंडा ये रहता है कि अब जैसे देखो ये कविता है आपके सामने आ गई है ना अब पद्यांश अगर है या कविता है यानी छोटा सा पैसेज है अगर ऐसे चार छह आठ लाइन का तब तो कोई बात नहीं आप पहले पैसेज पढ़ लो नहीं तो अगर आपको दिखे कि पैसेज बड़ा है सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन ज्यादा हैं। अगर छह सात क्वेश्चन से ज्यादा हैं किसी पैसेज में आठ क्वेश्चन हैं, ऐसा भी होता है कई बार नौ क्वेश्चन एक पैसेज में छह क्वेश्चन दूसरे पैसेज में तो वो नौ में से कम से कम तीन क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे जो उपसर्ग प्रत्यय के बारे में होगा एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन विलोम और आपके जिसको हम कहते हैं कि समानार्थी शब्द या जो सेम सिनोनियम जिसको हम कहते हैं उसके बारे में होगा चीज उसको हम कह रहे हैं इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको चेक करना होगा कि ऑड वन आउट कौन सा है तो तीन चार क्वेश्चन तो तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे तो सबसे पहले पैसेज में क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद पैसेज पढ़ो अब क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में थोड़ा सा रह जाता है कि कौन सी बात पूछी थी इसमें सरसरी निगाहों से पहले क्या करना है स्किमिंग कर लेनी है तो अगर छोटा पैसेज है तो आप डायरेक्ट जैसे ये कविता है तो इससे इस तो आप डायरेक्ट पढ़ लो इसको क्योंकि इसमें कितनी लाइन है छह लाइन कुल ही है

क्योंकि ये पढ़ के पता लग जाएगा कि नारी के बारे में है है ना आया समय उठो तुम नारी युग निर्माण तुम्हें करना है ऐसे भारी भारी शब्द को पहले ही दिमाग में रखो हाईलाइट कर लो आया समय उठो तुम नारी तुम्हें करना है युग निर्माण तुम्हें करना है ये दो लाइन हो गई आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है चलो ठीक है अपने को कमजोर न समझो जन्नी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो मतलब नारी के बारे में बात हो रही है नारी इसलिए हाईलाइट कर लिया अच्छे ही तो लाइन है ये तो कॉमन सेंस है हमारा अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये कॉमन सेंस डेवलप नहीं होगा ये मत सोचेगा सीधा पेपर में बैठेंगे जाके और दिमाग इतनी स्पीड से चलेगा है ना तो नारी के बारे में है फटाफट से क्वेश्चन है कविता का मुख्य स्वर है गौरव गाथा युग निर्माण स्त्री शक्ति या स्वतंत्रता फटाफट से पोल मैडम हाँ तो पोल में आप जवाब देंगे अब कविता का मुख्य स्वर स्त्री शक्ति है यही दिख रहा है हमें तो है ना आया समय उठो तुम नारी युग निर्माण तुम्हें करना है ये युग निर्माण के बारे में नहीं है नारी के द्वारा युग निर्माण के बारे में है तो इसमें के अपने को कमजोर न समझो जन्नी हो संपूर्ण जगत की तो ये क्या हुआ नारी शक्ति की बात हो रही है पे स्त्री शक्ति की बात हो रही है गौरव का था और वो सारी सेकेंडरी बातें तो आपको अगर दिन को रात कहे ना पैसेज तो दिन को रात कहना है जो तुमको वो पसंद वही बात कहेंगे वही वाली बात है अगर पैसेज में दिन को रात लिखा है तो दिन को रात जवाब देना है ठीक है ना तो यहाँ पे स्त्री शक्ति सिंपल जवाब कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं बाकी क्यों नहीं है क्योंकि जो मुख्य यहां पर स्वर है या जिसको संबोधित किया जा रहा है वो नारी है पैसेज में ठीक है ना युग निर्माण स्वतंत्रता ये नारी शक्ति के द्वारा या स्त्री शक्ति के द्वारा करने की बात की गई है तो थर्ड ऑप्शन ही सही है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर चलेंगे अगेन पैसेज हमारे सामने है तो पहले क्वेश्चन नंबर टू ही पढ़ लेते हैं कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका डैश है क्या औसत है संज्ञान योग्य है नगण्य है या अप्रासंगिक है अगर आपने अब दोबारा पैसेज को नहीं भी देखा तब भी आप जवाब दे सकते हैं कि भाई नारी की शक्ति को या स्त्री शक्ति को महत्वपूर्ण बताया है कि जो युग निर्माण के पत्थर हैं उसको तुम्हें ही नींव रखनी है और इस तरह की बातें कही है अपने आप को कमजोर मत समझो तो औसत तो नहीं हो सकती नारी की भूमिका स्वतंत्रता प्राप्ति में क्योंकि महत्व दिखाया है पूरी कविता में तो औसत तो एवरेज होता है वो तो होगी नहीं महत्वपूर्ण ही जो पूरा संबोधन ही है वो नारी को लेकर के है संज्ञान योग्य है हाँ मतलब ध्यान में रखने योग्य है जिस पे फोकस किया जाना चाहिए बात तो सही है फिर भी देख लेते हैं नगण्य है यानी जीरो है शून्य के बराबर है इग्नोरेंट बहुत ही ज्यादा ध्यान देने योग्य नहीं है ऐसा नहीं है अप्रासंगिक है यानी प्रसंग ही नहीं है कोई प्रसंग ही नहीं उठता कोई संदर्भ ही नहीं है नारी शक्ति के द्वारा स्वतंत्रता का ऐसा नहीं है तो हमें सिंपल पता है पैसेज में जवाब संज्ञान योग्य है महत्वपूर्ण भूमिका है तो बिना पढ़े भी दे दिया ये तो जवाब तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है जो आप ज्यादा पैसे सॉल्व करेंगे और तरीके से करेंगे तो डेवलप हो जाएगा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है खुद से कर लो कोशिश है ना छे अब आपको पता है गौरव की बात इसमें हुई है अबला का प्रयोग नींव की बात हुई है सबला यानी सबल जिस शक्ति जहां पे होती है अबला नहीं कहा गया नारी को अबला नहीं कहा गया पैसेज में कमजोर नहीं दिखाया गया स्त्री शक्ति की बात हुई है यहां पे कमजोरी की तरह देखने की बात नहीं हुई है एक तरह से वुमेन पे हम कह सकते हैं एक पैसेज है तो सॉरी तो, कविता है तो कविता छोटी होती है सॉल्व करने में आसान होती है बस समझ में आ जानी चाहिए तो विशेषण शब्द का कौन सा एक एडजेक्टिव है जो नारी के विषय में नहीं हुआ तो अबला हम कहते हैं ना, अबला नारी बिचारी अबला नारी अभी बिचारी अबला ये सब कैसी बातें जो यहां पे हुई ही नहीं है विशेषण है ही नहीं तो सबला है नीव है गौरव है एक बार फिर से देख लेते हैं है ना कि विशेषण की अगर हम बात करें तो उठो तुम नारी युग निर्माण तुम्हें करना है आजादी की खुद नीव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है अपने को कमजोर न समझो तो अबला तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे कहीं बात ही नहीं हुई गौरव की बात हुई है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर है फोर क्वेश्चन नंबर फोर का जवाब दीजिएगा स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है निर्माणकारी शक्ति यानी कि वो कुछ नया बना सकती है युग युग निर्माण युग निर्माण तुम्हें करना है आजादी की खुदी नींव जन्नी हो संपूर्ण जगत की या कमजोर न समझो निर्माणकारी शक्ति युग निर्माण तुम्हें करना है निर्माण निर्माणकारी शक्ति जो भाव है निर्माणकारी शक्ति का मतलब क्या है कि तुम निर्माण कर सकती हो सिंपल बात तो ये तो आंख बंद करके भी जवाब दे दोगे युग निर्माण तुम्हें करना वाली पंक्ति में है ना कि आजादी की खुदी नीव और निर्माणकारी की बात यहाँ पे युग निर्माण करने से है सिंपल बात है कोई दिक्कत नहीं है इसमें कमजोर ने समझो नहीं निर्माणकारी शक्ति पूछा है आपसे तो आपको पता है हाँ पे युग निर्माण तुम्हें करना है 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 तो इसका सिंपल सा मतलब है कि निर्माणकारी शक्ति की बात हो रही ठीक है ना किसका निर्माण करना है युग का नेक्स्ट पे आते हैं लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कविता के अनुसार स्त्री को गौरव गान करते रहना चाहिए पत्थर भरने का कार्य ही करना चाहिए पत्थर भरने की बात तो यहाँ हुई ही नहीं थी उन्होंने कहा था कि नींव में पत्थर आपको लगाना है लेकिन ये लिटरली ले गए इसको है ना स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा या जन्नी के रूप में ही रहना होगा एक तो ये ही वाले जो उत्तर होते हैं ना ऑप्शन होते हैं इनसे वैसे ही बचना चाहिए ये एक तरफा बात करते हैं है ना तो यहां पे स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा कि अपनी शक्ति को पहचानो जन्नी हो तुम वो जन्नी कह करके यहां शक्ति को पहचानने की बात हुई है ना कि ये कि जन्नी ही रहो बस बाकी कुछ मत करो है ना तो स्वयं की शक्ति को पहचानो यही बात इन्होंने पैसेज में की है इतनी बात क्लियर है यहां पे लिखा भी हुआ है देखो आजादी की खुद ही तुम्हें ये अपने को कमजोर ने समझो जन्नी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो तो यहाँ पे युग निर्माण की बात हो रही थी ना कि अब क्वेश्चन नंबर सिक्स है इसमें लास्ट क्वेश्चन है इतना टाइम आपको लगेगा नहीं ये मैं आपको समझा करके चल रही हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है जन्नी हो संपूर्ण जगत की डैश पंक्ति में कौन सा अलंकार है अब एक क्वेश्चन आ गया व्याकरण का तो इसलिए व्याकरण की बेसिक नॉलेज आपको जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे मैंने पता नहीं कितने साल पहले पढ़ी होगी हिंदी उसके बावजूद दिमाग में क्लिक कर जाता है है ना तो आप थोड़ा सा रिवाइज करके चला जाएंगे बस अलंकार पढ़ लिया मान लो या नहीं भी पढ़ा अलग से तो जब आप ये पैसेज सॉल्व कर रहे होंगे या कविता या गद्यांश पद्यांश सॉल्व करते समय क्या करें थोड़ा सा गूगल खोल के देख लें वहीं पढ़ लें या आपके पास किताब हो तो उससे पढ़ लें ठीक है ना तो बस हो जाएगा काम तो ये थर्टी एट परसेंट लोग इसमें जवाब दे रहे हैं मतलब इसमें आप थोड़े से गड़बड़ कर रहे हैं क्वेश्चन क्या है देखते हैं कौन सी पंक्ति में पूछा है जन्नी हो संपूर्ण जगत की जो वर्ण जो है या जो, जो अक्षर है उसकी ही आवृत्ति है यहाँ पे जननी हो संपूर्ण जगत की तो अनुप्रास है उपमा है रूपक है यमक है अब पूरे वर्ड की तो आवृत्ति नहीं है पूरे शब्द की तो नहीं है किसकी है वर्ण की आवृत्ति है वर्ण क्या है अक्षर क्या है जो जननी हो संपूर्ण जगत की तो वर्ण की आवृत्ति कहा आती है अनुप्रास में आती है बेसिक बात है ये हमारी है ना वो रघुपति राघव राजा राम तो वो र वर्ण बहुत बार आया है वहां पे तो अनुप्रास अलंकार है रूपक इस रूपक और अनु का इसमें रूपक नहीं आई थिंक यमक होता है वो एक बार आप लोग देख लेना लेना चेक कर कि कि यमक यमक में में जो है है ये होता है कि यमक में हम शब्द की आवृत्ति होती है है ना कि अगर हम बात कर रहे हैं उसकी कनक कनक ते सौ गुने तो वो क्या है मादकता अधिकार है तो वहां पे कनक कनक पूरा वर्ड रिपीट हुआ है तो वो यमक में चला जाएगा एक बार इसको शॉर्टली चेक कर लेना कि यमक में ही होता है कि रूपक में तो नहीं होगा वैसे यमक में ही होगा तो जहां पे वर्ण की आवृत्ति है वो अनुप्रास अगर शब्द की आवृत्ति है तो हम यमक के साथ चले जाएंगे जैसे हम अभी एक गाना सुन रहे थे है ना याद नहीं आ रहा मुझे वैसे नाम उसका बी हैप्पी है कुछ तो पंजाबी गाना था तो वो तो कुछ तो कहा कि हाँ बड़ी सोनी लगती है हंसती रहा कर बड़ी सोनी लगती है सोनिए तो अब वो सा सोनी और सोनिए तो कौन सा अलंकार हो गया अनुप्रास वर्ण की आवृत्ति है सेम वर्ड नहीं आया दोबारा तो यमक नहीं है ठीक है ना तो सिंपल बात है अगर वर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास शब्द की आवृत्ति है तो यमक के साथ चले जाएंगे क्लियर बात है हाँ यमक ही होता है ना ठीक है बिल्कुल तो अगर शब्द रिपीट हो रहा हो जैसे अभी हमने कनक कनक ते स्वागण की बात की थी तो वो शब्द रिपीट हो रहा था वहां खैर आगे बढ़ते हैं अब आते हैं गद्यांश टू पे तो ये छह सवाल थे होपफुली आपने ठीक से सॉल्व कर लिए होंगे अब थोड़ा सा गद्यांश पढ़ते हैं यानी पैसेज पढ़ते हैं जो थोड़ा सा बड़ा होता है कंपैरेटिवली हालांकि अब इस बार से जो है बड़े पैसेज बहुत ज्यादा नहीं आए हैं कंपैरेटिवली कई बार बहुत बड़े आ जाते हैं आपको सिंपल फंडा अपनाना है अगर ज्यादा क्वेश्चन है पैसेज में बड़ा पैसेज है तो पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं छोटा पैसेज अगर इतना सा या पंक्ति है कुछ छे तो आपको पहले पैसेज पढ़ लेना है नहीं तो अगर ज्यादा बड़ा है तो पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पे आओ। क्योंकि से आपको की कौन से हाईलाइट करना जरूरी है ठीक है, तो है आज ठीक तो ये एक और गद्यांश आया था लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू दोनों की आपकी पूर्ति हो जाएगी यहां से तो अगर हम देखें यहां पे, तो एक है जिसको पढ़ के आपको जवाब देना एक से सात प्रश्न का ठीक है अब फटाफट से या तो हम पहले प्रश्न देख लें प्रश्न देख लें क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं है बट फिर भी हम प्रश्न देख लेते हैं ठीक अब क्योंकि मुझे पता है कि सात में से कम से कम दो या तीन प्रश्न ऐसे होंगे जो बिना पैसेज के सॉल्व हो जाएंगे ठीक तो गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा दुख है चलो पढ़ के छोड़ देते हैं गद्यांश पढ़ेंगे तब देखेंगे ठीक फिर उसके बाद सबसे बड़ी भूल है यह भी गद्यांश से ही पता लगेगा भाई इसको भी सॉल्व नहीं करते हैं सुख कहां होता है यह भी हमें गद्यांश पढ़ के ही पता लगेगा बाद में देखेंगे गद्यांश के मूल विषय में शामिल नहीं है यह भी हमें गद्यांश पढ़ के ही पता लगेगा ठीक है जी गलत कार्य करने से डैश की हानि होती है भाई ये भी गद्यांश से ही पता लगेगा है ना किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग संभव है इसके लिए आपको व्यांश पढ़ने की जीरो परसेंट आवश्यकता है अगर आपको पता है आ, लास्ट में टाइम कम बचा हो कुछ भी हो तो एटलीस्ट इस तरह के क्वेश्चन तो करा ना कि साथ में से तीन क्वेश्चन तो सॉल्व कर दो भगवान अगर ऐसा हो क्योंकि आपको टाइम मैनेज करके चलना है मैंने पहले भी वीडियोज बनाए हुए हैं आगे भी बताऊंगी है ना एक प्रत्यय का प्रयोग संभव है यानी प्रत्यय आपको पता ही है जो हम पीछे लगाते हैं और उपसर्ग जो हम आगे लगाते हैं ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं इसमें कोई ऐसा व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है धर्म धर्म में एक लगा सकते हैं हाँ लग सकते हैं धार्मिक बन जाएगा सुख बना सकते हो दुखिक बना सकते हो पापिक बना सकते हो नहीं तो प्रत्यय सिर्फ धर्म में ही लग सकता है एक प्रत्यय सिर्फ धर्म में लगेगा तो धार्मिक बन जाएगा क्यों नहीं दिया मैडम तो थी कोई बात नहीं कल दे देना तो धार्मिक एक प्रत्यय जो है वो यहां पे धर्म में ही लगना संभव है तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन समूह से भिन्न है यानी ऑड वन आउट फटाफट से जवाब दो ऑड वन आउट पूछा है हमसे फटाफट देखते हैं ऑड वन आउट कौन सा शब्द होगा यानी बाकी ये जो चारों चार का समूह है इनसे भिन्न कौन सा है धर्म है सुख है दुख है पापी है अब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारी धर्म क्या है भाई एक पढ़ के देख लो खुद लग जाएगा आपको कौन सा लगे धर्म सुख दुख पापी बताओ कौन सा है ये कौन सा पुल दे दिया है ये गलत आंसर क्यों दे रहे हैं सारे क्वेश्चन नंबर सेवन का ही तो दिया है अच्छा इसमें गलत आंसर दे रहे हो कहा है? स्कूल के पीछे क्यों पढ़ाई की थी भाई है थर्टी फाइव परसेंट लोग सही जवाब दे रहे हैं सिर्फ ऑड वन आउट पूछा है सरकार समूह से भिन्न धर्म सुख दुख पापी पढ़ के पता नहीं लग रहा धर्म सुख दुख ये सब क्या है नाउन नाउन मतलब संज्ञा की बात हो रही है यहां पे है ना क्या है संज्ञा है जबकि पापी पाप करने वाले को पापी कहोगे ना तो विशेषण हो गया वो यहां पे बेसिक ये संज्ञा थी पाप होता तो वो संज्ञा हो जाती धार्मिक लिखा होता तो अलग हो जाता तो बाकी तीनों तो संज्ञा है धर्म है सुख है दुख है अपने आप में कॉन्सेप्ट की बात हो रही है कॉमन सेंस भी लगा लो पापी पापी क्या है पापी पाप करने वाले को, धर्म को कहेंगे धर्म कोई अपने में धार्मिक कहेंगे तो लिखा नहीं जा रहा है विशेषता है किसी व्यक्ति की। कैसी विशेषता तो आप देख ही रहे ठीक तो डी ऑप्शन होगा फर्स्ट क्यों होगा इसमें धर्म के पीछे क्यों पड़े हो क्योंकि पैसेज धर्म के बारे में भाई ये नहीं है कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ठीक है चलो खैर तो पापी शुड आंसर आगे बढ़ेंगे अब एक काम करते हैं फटाफट से गद्यांश थ्री पे नहीं जाएंगे बाकी के क्वेश्चन तो दो क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व कर लिए अब हमारे पास पांच क्वेश्चन बचते हैं और इस बहाने हमने इतना टाइम आपको लगेगा नहीं क्योंकि हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ज्यादा समय लग रहा है तो आप फटाफट से आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन को पढ़ के पैसे सोल्व करेंगे लास्ट के दो हमने कर लिए बस पांच क्वेश्चन अब हमें सोल्व करने हैं ठीक है बात गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा दुख है अब ये क्वेश्चन देख ले आते हैं गद्यांश पे सबसे बड़ा दुख अगर आप गद्यांश पढ़ेंगे एक बार है ना अगर आप पढ़ेंगे गद्यांश तो क्या होगा देखते हैं जीवन में कभी अभाव का दुख अब बढ़ते ही मुझे समझ आ गया कि दुख के बारे में बात हो रही है जीवन में कभी अभाव का दुख कभी स्वभाव का और कभी दुर्भाव का दुख और इससे भी ऊपर सदैव तनाव का दुख यानी दुख की बात हुई है कई बार दो ही लाइन्स में रिपीटेडली दुख की बात हो रही है जिसमें अगर हम देखें जीवन में कभी अभाव का दुख ठीक है स्वभाव का दुख ठीक है कभी दुर्भाव का दुख ठीक है और इससे भी ऊपर यहां पर जोर दिया जा रहा है ये आप ये मैंने बिना

आपको नहीं देखनी है है ना फिर भी आप मानते क्या हो सबसे बड़ा दुख तनाव का दुख ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये पैसेज मैंने बार बार डाला है ताकि आप इसको रेफर कर सकें अब तो ऑफलाइन में ये फायदा होता है कि पैसेज करना सॉल्व आसान हो जाता है थोड़ा सा पैसेज सॉल्विंग में थोड़ी आसानी होती है क्यों क्योंकि एक ही पेज पे आपको बार बार पलट के देख सकते हो नहीं तो ऑनलाइन में दिक्कत होती है पैसेज सॉल्व करने में तो अगर आप यहां पे भी सॉल्व कर पा रहे हैं इसका मतलब ऑफलाइन में आप कर लेंगे सबसे बड़ी बोले पहले पैसेज दो तुम अभी बताना तो है ढूंढना तो है आंसर सब चलो कोई बात नहीं दो आंसर दो कोई बात नहीं चलने दो तो सबसे बड़ी भूल है अब देखते हैं भाई सबसे बड़ी भूल कौन सी है भूल पे जाएंगे फटाफट से स्कैन करेंगे है ना स्कैनिंग स्कीमिंग पढ़ा है हमने इंग्लिश पैटागलॉजी में और हिंदी में भी वही आएगा सबसे बड़ी भूल कहीं दिख रही है भूल हां दुख हमारी भूल और हमारे मानवीय स्तर से गिरकर घिनौने कर्मों का फल है चलो ये तो बता दिया कि फल है भूल और कहां लिखा है सबसे बड़ी भूल होती है कौन सी पापों में प्रवेश नए नए पापों में प्रवेश करने लगते हैं ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है अच्छा दुखों से दूर रहने और सुख पाने की चाह में हम नए नए पापों में प्रवेश करने लगते हैं ये ये सबसे सबसे बड़ी भूल तो बड़ी भूल भूल है है तो तो सीधा स्कैन किया कि एक बार देखोगे पता लग जाएगा नए तो नए पापों में प्रवेश करने, प्रवेश, प्रवेश करना क्या है सबसे बड़ी भूल है पूरा पैसेज क्यों पढ़े बैठ के तो सबसे बड़ी भूल है कहा सुख पाने के लिए गलत काम करना सुख पाने के लिए साधना करना नहीं पापों में पड़ना पाप करना गलत काम है साधना थोड़ी है पाप तो ये तो नहीं होगा दुख से छुटकारे के लिए संन्यास लेना तो सन्यास भी एक पॉजिटिव वर्ड हो गया है तो फिर भी दुख से दूर भागना और एकांतवास एकांतवास ये भी नहीं है सुख पाने के लिए गलत काम करना यानी और पापों में लीन होना पाप क्या है गलत काम सेंस निकालना है सिंपल फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे मजे मजे में सॉल्व करते चले जाओगे क्या दिक्कत है सुख कहां होता है जहां मानवता नहीं होती जहां धन संपदा हो जहां धर्म हो या जहां सुखी लोग होते हैं ये पहली लाइन में हमने देखा था सुख वहां होता है जहां धर्म हो सुख कहां होता है सबसे ऊपर लिखा हुआ जीवन में कभी दुख का अभाव ये वो कभी दुर्भाव अब देख लेते हैं सुख कहां होता है दुख ये है ये है ये है सुख ढूंढ लो कहीं भी रहने और सुख पाने की चाह में हम नए नए ठीक है एक सुख जाने दो इसको पाप का फल सुख रोकता है ठीक है सुख चाहिए तो पापों से मुक्त होने की चाह जागृत करनी होगी मिल गया बस सुख के पीछे पड़ जाओ की क्या है सुख तो एक सुख हमें कहीं मिला था ऊपर कहीं भी सुख हमें अभी तक दिखा नहीं था क्या कह रहे हो जीवन में नहीं दिख रहा है सुख पैसेज में कहा से दिखेगा एक सुख यहां है सुख पाने की चाह में हम नए नए पापों में प्रवेश करते हैं तीसरी लाइन पाप का फल सुख रोकता है सुख चाहिए तो पापों से मुक्त होना होगा तो चाहिए पे हमें रुकना था चौथा स्कैन करते समय तो पापों की आ, मुक्त होने की चाह जागृत करनी होगी यानी पापों से मुक्ति चाहिए तब जाके सुख मिलेगा ठीक तो सुख कहां होता है जहां मानवता नहीं होती ऐसा तो पॉसिबल नहीं पापों में है मानवता नहीं है मतलब धन संपदा हो जहां धर्म होता है या जहां सुखी लोग होते हैं नहीं जहां धर्म होगा जहां हम पाप छोड़ेंगे तो धर्म आ जाएगा सिंपल बात तो आगे बढ़ेंगे बाकी धर्म वर्ड से भी आप इसको ढूंढ सकते थे है ना जैसे ये लिखा हुआ है धर्म वर्ड से भी सीधा ढूंढ सकते थे कि धर्म को आत्मसात करना है जहां धर्म है वहां पाप नहीं है और जब पाप नहीं है तो वहां दुख नहीं है तो ये कीवर्ड कोई भी पकड़ लो उससे ढूंढ पाओगे है ना यहां सुख की जगह धर्म अगर हम कीवर्ड चारों ऑप्शंस में से देख के पकड़ लेते तो वो इजी हो जाता चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं फोर्थ है गद्यांश के मूल विषय में शामिल नहीं है गद्यांश के मूल विषय में शामिल नहीं है दंड सुख दुख धर्म अब हमने इतनी देर से रामायण प्रॉपर भजन किया गायी है कि धर्म की बात इसमें खूब हुई है दुख को सुख को भी हम हाईलाइट कर चुके हैं तो एक ही बचा दंड क्या जरूरत है इसे पढ़ने की फिर सिंपल भाई सुख दुख धर्म पाप सारी चीजें हैं दंड की बात नहीं हुई कि दंड मिलेगा सिंपल बात तो और वैसे भी तीनों ऑप्शन तो हम बार बार पढ़ चुके हैं तो चले गए हम सीधा आंसर पे क्या दिक्कत है आते हैं गलत करने गलत कार्य करने से डैश की हानि होती है अब सुख के बारे में है ये तो सुख की हानि होगी दुख की हानि तो गलत कार्य करने से नहीं होती है ना तो सम्मान की हानि होती है सुख की हानि होती है या पाप की हानि होती है चलो दोनों ऑप्शन ऐसे ही हटा देते हैं मान लिया हमने सम्मान होगा ही नहीं पाप की हानि होगी ही नहीं गलत कार्य करने से पाप की हानि थोड़ी होगी सुख या दुख में से कोई और होगा वैसे हमें पता है कि सुख की हानि होती है फिर भी हम क्या करेंगे हम कीवर्ड पकड़ेंगे गलत कार्य करने से डैश की हानि होती है हानि वर्ड पकड़ लो और फटाफट से भागे भागे जाओ पैसेज की तरफ उड़ते हुए एकदम सुपर वुमेन सुपरमैन जिसकी भी तरह हानि वर्ड ढूंढ लो फटाफट से हानि लिखा होगा कहीं तो दुनिया के किसी कोने में और ये आप तुरंत पकड़ जाओगे क्यों क्योंकि और जब बुक पे लिखा होगा तो आसानी से पकड़ जाओगे ठीक है ना डा 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 ओके 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 मुझे ही नहीं मिल रहा हानि देखो एक बार जहां धर्म है वहां पाप नहीं है दुखों से छुटकारा और सुख प्राप्ति का एकमात्र डर डर ठीक है ठीक है ठीक है बड़ी बोले दुख अप्रिय है दुखों से दूर रहने और सुख की चाह में नए नए पापा में प्रवेश करते हैं वशीभूत हानि तो दिया ही नहीं हुआ इससे नहीं निकलेगा भाई है ना वशीभूत हम टकराव की जिंदगी जीते बिखराव का दुख सेकेंड ऑप्शन कहीं दिखा लिखा हुआ है हानि या सेंस निकालना पड़ेगा सेंस ही निकालना पड़ेगा क्योंकि हानि तो मुझे दिखा हुआ लिखा हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा नहीं तो मेरी ये बहुत तेज पढ़ने वाली आंखें ढूंढ ही लेती है अब तक देख रहे हो खुद की तारीफ करना जरूरी है भाई है ना अपनी फादर टू से कि अपनी पीठ खुद थपथपा लेनी चाहिए कई बार तो इससे पहले आप कहें आप अच्छा पढ़ते हैं मैं मैं खुद ही कह देती अच्छा पढ़ती हूँ देखो एक बार गलत कार्य करने से डैश की हानि होती है तो अब यहाँ पे हानि तो इन्होंने शायद नहीं लिखा हुआ किसी को दिख रहा हो तो बता दो दुख घेरे रहते हैं इससे सदैव ठीक है इन्हीं दुखों के वशीभूत हम टकराव की जिंदगी जीते हैं सुख पाने की चाह में हम नए नए पापों में प्रवेश करने लगते हैं यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है पाप का फल सुख रोकता है सुख चाहिए तो मुक्त होना पड़ेगा डैश डैश और एक मात्र साधन है आत्मसात करना जहां धर्म वह पाप नहीं हो जब पाप नहीं तो दुख नहीं जहां दुख तो मतलब कॉमन सेंस वाली बात है अगर हानि नहीं मिल रही तो हम निकाल सकते हैं ये बात जो हम शुरू में कर रहे थे मेरी कोशिश ये थी कि कीवर्ड पकड़ के ढूंढ लें बट हमेशा कीवर्ड से नहीं मिलेगा तो गलत कार्य करने से सुख की हानि होगी सुख में कमी सुख के गायब होने का अब ये सेंस निकाल लिया हमने डायरेक्ट वर्ड नहीं मिला लेकिन सेंस से हम चले गए ठीक है इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं उन्होंने शुरू में ही लिखा हुआ है ना कि दुख फिर हमारे जीवन में आता है ये सारे काम होते हैं तो गलत फल की वजह से अन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे किस शब्द में एक प्रत्यय हम कर चुके हैं तो हमारा ये पैसेज सॉल्व हो गया आउट ऑफ क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए वो बता दो अब आते हैं गद्यांश थ्री पे एक पैसेज और मजाक मजाक में सॉल्व कर लेते हैं इससे क्या होगा प्रैक्टिस होगी इससे ठीक है ना चेक करते टाइम डर हो हाँ वो मेरा ध्यान जो है मजा आता है वैसे पढ़ने में मतलब मैं ऐसे करती हूँ कई बार स्कैन करते हुए स्कैनिंग और स्केमिंग आप जानते हैं तो मैं वर्ड स्कैन कर रही हूँ मेरा ध्यान है हानि जहां दिखेगा वहां रुक जाऊंगी ठीक है ना देखो जिनको स्कोर अच्छा करना है या पास भी होना है उनको पैसेज पकड़ के रखना चाहिए क्योंकि तीस नंबर बहुत होते हैं और ये बचपन से कभी ना कभी आपने सॉल्व किया होगा चलो सिक्स आउट ऑफ सेवन जो भी आप आते हैं गद्यांश थ्री पे फटाफट से ये भी पैसेज है प्रॉपर कविता मैंने एक ही लिया है क्योंकि कविता छोटी होती है वो आप खुद भी कर सकते हैं अब ये मैंने पैसेज पढ़ा था बट आपको क्या करना है इतना बड़ा पैसेज हो और आपको पता है एक से नौ प्रश्न तो नाइन अगर क्वेश्चन हैं तो तीन तो कम से कम व्याकरण वाले मिल जाएंगे जो बिना पढ़े सॉल्व हो जाएंगे अभी हमने दो बिना पढ़े सॉल्व किए थे गद्यांश के अनुसार अब सबसे पहले क्योंकि हमें क्वेश्चन पढ़ना है बड़ा पैसेज है और क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें से दो तीन क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे बिल्कुल आसान सी ट्रिक है भाई बड़े पैसेज में अगर सात आठ क्वेश्चन है तो उसमें से दो तीन वैसे सॉल्व हो जाएंगे और सबसे पहले हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना बड़ा पैसेज वैसे भी याद नहीं रहेगा सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो की समझ में आ जाएंगे और उनमें से दो तीन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ के पैसेज पर फिर भी वापस जाना होता है तो क्या ही कर लोगे पूरा पैसेज पढ़ के अगर बड़ा है काफी तो गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है बाद में पढ़ेंगे भाई है ना फिर आगे बढ़ते हैं हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है पैसेज से पढ़ के पता लगेगा अपने आप नहीं तुक्के लगाएंगे सुख दुख का कारण है सोच के पढ़ के बताएंगे अभी नहीं बता, बताएंगे हम गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए अब हमें यह समझ तो आ गया पाप प्रायश्चित धर्म की बात चल रही है पैसेज में चाहे हमने पैसेज पढ़ा ना हो मन की कोठरी को स्वच्छ रखने से तात्पर्य क्या है बाद में देखेंगे भाई हमें नहीं पता है ना क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आगे जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है ये भी नहीं पता इतना पता होता तो पेपर ही दे रहे होते स्वार्थ का विलोम है ये हमें पता है ये हमें बिना पैसेज पढ़े पता है है ना खुशी खुशी लाइक शेयर करते आप मस्त अपना परसों हमारी जो है मैराथन है परसों नहीं तेरा को यानी सैटरडे को सात बजे से शाम को है ना मस्त अपना काम करेंगे देखो स्वार्थ का विलोम शब्द अब इतना तो हमको सबको पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्वार्थ का निस्वार्थ ही होगा है ना फिर भी पढ़ लेते हैं प्रयोजन स्वार्थ परायणता परोपकार कुछ भी मतलब सिंपल बताया है हमें स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होगा निस्वार्थ होगा अगर इनकेस पैसेज में कुछ

अगर आप देखें नॉर्मली तो हिंदी मेरी अच्छी है मैं यही मानती हूँ और जब मैं बुलंदशहर में थी तो लगभग दसवीं तक की पढ़ाई मेरी हिंदी मीडियम में ही हुई है तो हिंदी मुझे अच्छे से समझ आती है लिखने की प्रैक्टिस थोड़ी कम बची है अभी बहुत साल हो गए बट क्योंकि दिल्ली आने के बाद जो स्कूलिंग रही फिर वो फिर इंग्लिश में हो गई जो लास्ट के तीन साल थे और फिर कॉलेज का भी इंग्लिश में ही था तो वो एक प्रैक्टिस लिखने की कम हो गई बट अगर की जाए तो प्योर हिंदी में मैं पढ़ा सकती हूँ लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बेचारे वो उन्हें कौन समझाएगा उनकी भी तो थोड़ा सोचा करो तो मैं बाइलिंग में लेकर चलने की कोशिश करती हूँ लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि हिमांशी को बोलना चाहिए हिंदी पैडोलॉजी को हिंदी शिक्षण शास्त्र हर शब्द पे तो दिक्कत होगी यार हर किसी के बारे में सोचना चाहिए देश भर से लोग देखते हैं मानवीय शब्द में प्रत्यय है बताइए क्या प्रत्यय भाई प्रत्यय आपको बताइए जो पीछे लगे उपसर्ग जो आगे लगे सिंपल मानवीय में य प्रत्यय या य भाई ये है वी ए? नहीं ये हमने पढ़ा है बचपन से और ये भी बड़ी ई की मात्रा वाला ई होगा क्योंकि आपको पता ही है है ना तो बड़ी ई की मात्रा वाला ई है सिंपल तो दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए ऐसे ही अभी तक और एक और क्वेश्चन है हो सकता है वो भी ऐसे ही सोल्व हो जाए तो हमारे पास छह हाँ हो जाएगा ये भी व्याकरण का क्वेश्चन है कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है यानी एक पेयर है और वो ऑड वन आउट जैसे अभी हमने एक और क्वेश्चन में सॉल्व किया था शुद्ध अशुद्ध ये तो पेयर बना रहे हैं सुख दुख ज्ञान अज्ञान अंधकार अंधेरा ये अलग है सिंपल बात अंधकार अंधेरा बिल्कुल अलग है शुद्ध अशुद्ध सुख दुख ज्ञान अज्ञान दिन रात ये सब क्या एक पेयर है युग में है लेकिन अंधकार और अंधेरा डिफरेंट हो गया इन तीनों से अलग हो गया जैसे हम वो धर्म की सुख की दुख की बात कर रहे थे और पापी अलग था ऐसे यहां अंधकार और अंधेरा अलग है सिंपल तो तीन क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो गए बचे कितने छह क्वेश्चन अब चलते हैं अपना शुरुआत करते हैं वापस से आते हैं वहीं पे ये आपको यहां मुश्किल लग रहा होगा कि मैं बार बार ऊपर नीचे जा रही हूं बट आपको जब आप पेपर पे सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी ऑफलाइन का सबसे बड़ा फायदा है कि पैसेज सॉल्व करने में आसानी होती है आप वहां हाईलाइट कर सकते हैं पेंसिल ले जाना अगर टीचर कुछ कहें हैं तो नहीं तो कह दे अच्छा मैम नहीं कर रही बाकी कर लेते हैं हाईलाइट करते हैं लोग हम खूब करते थे देखो एक बार बट वो हाईलाइट करना एट योर ओन रिस्क है ना तो एग्जामिनर कैसा मिले आपको उस पर डिपेंड करता है गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है अब हमको कौन सा वर्ड पकड़ना है धन्यवाद देखते हैं फटाफट से कहीं दिख रहा है धन्यवाद कहने का कारण नहीं ये रहा सेकंड लाइन में धन्यवाद मिल गया हमको धन्यवाद कहने का कारण नहीं है ये रहा धन्यवाद सिंपल तो सामान्य व्यवहार में हम कितनी बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं किसके कारण कारण स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु भोजन ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं मतलब हम किसके कारण बोल रहे हैं स्वार्थ या संस्कृति के कारण धन्यवाद बोल रहे हैं हम यानी या तो हमारा कोई निजी निजी मोटिव छिपा हुआ है स्वार्थ है या हमारी संस्कृति है हमारा नेचर बन गया है वो स्वभाव बन गया ठीक तो गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है बोल तो गायब भी कर दिया इतनी क्या जल्दी मैडम देखिए तो गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है दया हाँ दया तो नहीं दिखा स्वार्थ संस्कृति स्वभाव चलो ठीक है दया यहां पे सही उत्तर है क्योंकि यही नहीं लिखा है ठीक सेंस से हो जाएगा अगर आप रीडिंग भी देना चाहें तो दे सकते हैं, हैं, हैं फटाफट से हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से अंधेरा सब की जड़ है अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती है अब इसमें रात कहेगा तो हम दिन को रात कहेंगे अपनी मर्जी से नहीं लगाएंगे कि हमें तो पता है इसका मतलब तो हर बुराई वो ग्रामेटिकल क्वेश्चन व्याकरण वाले सवालों में करना है पैसेज वाले सवाल के साथ छेड़छाड़ नहीं बिना पैसेज पढ़े नहीं करना हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है तो आपके दिमाग में हाईलाइट आप कर लीजिएगा अगर पैसेज पहले पढ़ रहे हैं तो ठीक है ना दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं बुराइयां हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है तो अंधकार अलग से आपको नजर आ जाएगा इतना बड़ा पैसेज नहीं है अज्ञान के अंधकार में फैलती है प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल है तो अज्ञान के अर्थ किसमें फैलती है अंधकार में यानी अज्ञानी व्यक्ति बुराइयां फैलाता नहीं अज्ञान यहां पे फोकस है अज्ञानी व्यक्ति नहीं ठीक है अंधेरा होते ही बुराइयां फैलती है लिटरल अंधेरे की बात थोड़ी कर रहे हैं अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है अच्छा हो सकता है भाई अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं यही मेन मुद्दा यहां पे ये था यहां पर अंधेरा नहीं था मेन मुद्दा था अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं जब ज्ञान की रोशनी आती है अंधेरा और रोशनी की बात डायरेक्ट नहीं थी तो अपने आप अज्ञान खत्म हो जाएगा सिंपल बात आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे प्रश्न थ्री क्या कहता है सुख दुख का कारण है फटाफट से ढूंढते हैं सुख दुख का कारण कहीं तो दिया ही होगा आज तो हम पता लगा ही लेंगे जीवन में सुख दुख का कारण क्या होता है देखो एक बार सुख दुख का कारण दिख दिख रहा है कहीं पे दा दा दा, दा दा दा, अच्छा सॉरी यार नहीं करूंगी भोजन मेरा फोकस बन पाता है डर डर डा करके संवाद सारे डर सॉरी उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है सुख दुख मिल गया सुख दुख मिल गया मिल गया मिल गया है ना और जल्दी मिल जाता है अगर आप डर डा करने देते तो देखिए एक बार सुख दुख सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं ठीक है ना सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं तो क्या है सुख दुख सिंपल कर्मों के फल तो प्रारब्ध है यानी जो पिछले जन्म से चले आ रहे हैं पूर्व जन्म के कर्म भाग्य दुर्भाग्य कर्म तो कर्मों का फल है सुख दुख का कारण है कर्मों का खराब होना मम्मी पापा बताते ही होंगे आपको आज उन्होंने भी बता दिया चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए प्रायश्चित की बात हो रही है प्रायश्चित देख लेते हैं भाई है ना क्या करना चाहिए प्रायश्चित लिखा है कहीं पे से शुरू करूं या आप ढूंढ लोगे प्रायश्चित देखो फटाफट से ओके लो गा पवित्रता आपको लग रहा होगा ये मैं एक्टिंग कर रही हूँ भाई ये नेचुरल है अंदर से आता है समझना डा ओके मानव पुरुषार्थ करते रहेंगे ओके 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 प्रायश्चित मिल गया मिल गया मिल गया देखा प्रायश्चित भी अवश्य करें ठीक है अगर हम बात करें मानवीय पुरुषार्थ करते रहें मन की कोठरी को स्वच्छ रखें जहां जरूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाए ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्षा जैसी जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है कौन उठाता है ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना और प्रायश्चित भी अवश्य करें है ना किस चीज के लिए सुख नहीं पाया जिसका मानवीय पुरुषार्थ करते रहे और मन की कोठरी को स्वच्छ रखें तो मन की कोठरी को स्वच्छ रखने के लिए प्रायश्चित करना आवश्यक है चलिए देखते हैं तो गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए पुरुषार्थ तो वो लिखा ही हुआ था पहले वाली लाइन में है ना ये प्रायश्चित से पहले लिखा हुआ था पुरुषार्थ करते रहे मानवीय पुरुषार्थ करते रहे और मन की कोठरी को स्वच्छ रखें जहां जरूरत हो प्रायश्चित भी करें तो पुरुषार्थ के साथ साथ क्या करें पौरुषी आई थी तो मुझे याद है उनका नाम जो है पौरुष से बनाए वो पौरुष मतलब करेज की हम बात कर रहे हैं एफर्ट की हम बात कर रहे हैं तो अगेन मेरे को याद आ गया ये तो यहाँ पे पुरुषार्थ का मतलब क्या है एफर्ट से है करेज से है कर्म से है है ना तो सिंपल पुरुषार्थ करते रहे और उसके साथ प्रायश्चित भी कर ले कभी कभी ठीक सिंपल बात है गिवन है लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर फाइव मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से तात्पर्य है अभी तो बात की थी हमने मन की कोठरी को स्वच्छ रखें मन सब विकारों का कारण है मन को नियंत्रण में रखना मन से बुरे भावों का निष्कासन या मन के अनुसार कार्य करना फिर से मन कर रहा हो तो देख लेते हैं एक बार ठीक है ना तो देख लेते हैं भाई मन की कोठरी को स्वच्छ रखने से क्या तात्पर्य है आप कोठरी फटाफट से ढूंढो डर पेपर में ये मत करने जाना टीचर बहुत देखो एक बार मन की कोठरी कहीं मिल रही है अभी तो था वो हमारे पुरुषार्थ करते रहे कोठरी ये रही मन की कोठरी को स्वच्छ रखें जहां जरूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें कौन जाने ठीक है मानवीय पुरुषार्थ करते रहे मन की कोठरी को स्वच्छ रखें जहां जरूरत हो प्रायश्चित भी करें मन की कोठरी को स्वच्छ रखने का यहाँ पे सिंपल सा मतलब यही है कि प्रति आभार व्यक्त करना चूक तरीका है संतुष्टि और ईर्षा जैसी निष्कृष्ट बातों से ऊपर उठता है तो कुल मिला के साइंस क्या निकल रहा है यहाँ पे कि मन को साफ रखें या नियंत्रण में रखें या मैल से दूर रखें यानी बुरी बातों से दूर रखें नियंत्रण की बात है सच नहीं किया डायरेक्ट तो हम नियंत्रण पे नहीं जाएंगे देखते हैं मन सब विकारों का कारण है मान लिया जी मन को नियंत्रण में रखना चाहिए मान लिया मन से बुरे भावों का निष्कासन करना ये स्वच्छ रखने के सबसे पास है क्योंकि यहां पे आपको एज इट इज आंसर नहीं मिलेगा इन्होंने कहा सेंस निकालो स्वच्छ रखने का मतलब क्या है तात्पर्य क्या है तो हमने मान लिया मन से बुरे भावों का निष्कासन करना स्वच्छ करना है स्वच्छ साफ सुथरा करना यानी बुरे भाव निकाल दिए यानी गंदगी पड़ी थी रूम में उसको निकाल दिया साफ हो गया रूम है ना कंट्रोल थोड़ी करके रखेंगे पॉकेट में रख लेते हैं गंदगी को मन के अनुसार कार्य करना नहीं मन से बुरे भावों का निष्कासन अब ये बताइए आपने इतने बुरे भावों का निष्कासन आज कर ही दिया है ना एकदम इतने बढ़िया पैसेज होते हैं मेरा इतना मन लगता है इन पैसेजेस को पढ़ने में अगर आप प्रीवियस ईयर करेंगे इतना ज्ञान की प्राप्ति आपको हो जाएगी जीवन का सारा सुख सब इसी में है मतलब इतना ज्ञान होता है इन पैसेजेस में लिटरेचर अपने आप में मजेदार चीज है चाहे हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की इंग्लिश का हो है ना साहित्य तो अब आउट ऑफ नाइन क्वेश्चन कितने ठीक हुए वो बता दीजिए आपकी क्लास में मन लगा रहता है मैम वो लगा रहना चाहिए मानसी वो टीचर किस काम का जो मन भी ना लगा पाए हाँ तो टीचिंग आर्ट है भाई स्किल है देखिएगा एक बार नहीं तो सारे टॉपर्स बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं मेरे को याद है हमारे स्कूल में एक टॉपर थे और उन्होंने ट्रे, ट्रेनिंग भी की टीचिंग की और वो एक बार फोन पे कह रहे थे कहीं पे केंद्रीय विद्यालय वगैरह में थे तो अभी शायद दिल्ली में आ गए कि यार मांसी मैं तो इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ मेरा मन नहीं लगता पढ़ाने में पढ़ाना मेरे से होता नहीं है अब वो सरकारी नौकरी में है है ना जो हमारी बहुत बड़ी लालसा रहती है लेकिन और टॉपर भी रहा है लेकिन पढ़ाने की वो इच्छा या मन है ही नहीं अंदर से तो इसलिए अब ये बताओ मजा आया आज के सेशन में या नहीं ये बातें तो चलती रहेंगी तीन पैसेज सॉल्व किए हमने अब दो तीन बातें मैं लिख देती हूँ जिनका ध्यान रखना जरूरी है जब आप पैसेज सॉल्व कर रहे होंगे तो है ना मजाक से हटके फटाफट से मैं लिख देती हूँ जो दो तीन बातें ये टेलीग्राम चैनल पर वैसे इसका आंसर का क्या ही करोगे इस बार आए हुए और पैसेज कभी रिपीट नहीं होते लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैसेज आपको लगाने हैं एक मिनट रुको मैं आपको दो तीन ट्रिक्स फटाफट से शेयर कर देती हूँ पैसेज सॉल्व करते समय मुख्य बातों का ध्यान रखें ये एक बेसिक बात डिस्कस कर ही लेते हैं जाओ देखो एक बार तो गद्यांश पद्यांश या इंग्लिश का भी पैसेज अगर आप सॉल्व कर रहे हैं ये दो तीन बातें जिनका विशेष ख्याल रखना है क्या है एक पहला तो अगर पैसेज पैसेज बड़ा है लेंदी पैसेज है यानी अगर अगर पैसेज लेंदी है, बड़ा पैसेज है है बड़ा तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करें क्वेश्चन को रीड करें क्वेश्चन पढ़ने हैं पहले पैसेज पढ़ने से उससे क्या होगा दो से तीन क्वेश्चन दो या तीन क्वेश्चन डायरेक्ट आपके व्याकरण के कारण या बेसिक प्रत्यय वगैरह के होंगे या विलोम शब्द पूछा होगा यानी व्याकरण के क्वेश्चन होंगे ग्रामेटिकल क्वेश्चन होंगे हिंदी हो इंग्लिश हो संस्कृत हो कोई भी हो तो दो तीन क्वेश्चन आपके ग्रामर की वजह से सॉल्व हो जाएंगे बेसिक ग्रामर होगी वो वैसे भी पैसेज से सॉल्व नहीं होंगे अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगा पाएंगे तो खुद ही हो जाएंगे है ना तो व्याकरण कई बार पैसेज की सहायता से हो जाते हैं है, बट तो अगर वो बेसिक धर्म का आपको पता है इसमें एक प्रत्यय लगेगा तो क्या जरूरत है पैसेज की है ना तो व्याकरण के होंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड क्वेश्चन फर्स्ट अगर लेंदी है अगर छोटा सा पैसेज है या कविता है कोई छह आठ लाइन की तो क्या करें फिर पहले कविता ही पढ़ लें और उसके मुख्य लेटर्स जो वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर लें अब क्वेश्चन रीड कर लिया आपने जिसमें से दो तीन क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गए बाकी क्वेश्चन पढ़ के आपको आइडिया लग जाएगा की कौन से ढूंढने आपको जिस भी क्वेश्चन को पढ़ा मान लीजिए दुख है keyword, तो फटाफट से गए पैसेज में भागे भागे और दुख को सर्च किया डर डर डा, डा करके ठीक तो वो लाइन एग्जैक्ट ढूंढनी है वहां पर मिल जाएगा वो तो लेंदी पैसेज में पहले क्वेश्चन पढ़ने अगर छोटा पैसेज है तो पहले पैसेज पढ़ना है क्वेश्चंस पढ़ के दो से तीन क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन तो आप मतलब छोटे पैसेज में पढ़ेंगे तो एक आध क्वेश्चन तो जरूर ग्रामर का होगा नौ क्वेश्चन में से अगर तीन क्वेश्चन ग्रामर के थे तो छह ही तो बचे ठीक है ना तो यहां पे ध्यान रखना है एक तो और अगर कभी कोई डेटा हो ये पैसेज का बहुत बड़ा हैक होता है अगर कोई डेटा है डेटा बोले तो कोई नंबर दिया हुआ है उन्नीस में ऐसा हुआ था उन्नीस में ऐसा हुआ था अब उसके अराउंड अगर क्वेश्चन तो सीधा आप वहीं चले जाएं तो कीवर्ड के थ्रू दूसरा सिंपल फंडा क्या है कीवर्ड से सॉल्व करना है कीवर्ड पे भागे भागे जाओ वो लाइन ढूंढो जो लिखी हुई है क्वेश्चन में ठीक है तो ये दो बातें तो जरूर ध्यान रखनी है तीसरी इंपॉर्टेंट बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट का अगर पेपर देने जा रहे हो तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैसेज लगा लो पांच दस जितने लगाए जाए उतने से बात बन जाएगी क्योंकि वो पैटर्न वो थीम वही रहता है अगर आप पेपर देने जा रहे हो सीटेट का और यूपीएससी के पैसेज लगा के जाओगे एसएससी के शायद उतना फायदा ना मिले जितना सीटेट के प्रीवियस ईयर से मिलेगा क्योंकि वो थॉट प्रोसेस सेम है एग्जामिनर का पैसेज सेम कभी नहीं आएगा थॉट प्रोसेस सेम आएगा चलिए खैर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा मजा आया होगा आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलेंगे कल नौ बजे तेरह तारीख को आपका मैराथन है और ऐसी चीजें करते रहेंगे धन्यवाद थैंक यू सो मच बाय बाय टड़ा टेक केयर गुड नाइट